रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी क्रंची चटपटा हनी चिली पोटैटो। है ना एकदम एक्स्ट्रा करारे क्रिस्पी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आप सभी की फेवरेट रेस्टोरेंट स्टाइल हनी चिली पोटैटो। वो जो आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना एकदम करारे करारे हनी चिली पोटैटो, मजा आ जाता है चटपटे से खाके, बिल्कुल वही वाले आप आसानी से एकदम सरल तरीके से घर में बना सकते हैं। आप सभी लोगों की डिमांड थी हनी चिली पोटैटो की रेसिपी के लिए, आज मैं बस वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 4 मीडियम साइज के आलू, लगभग वजन से बोले तो 250 ग्राम के करीब, जिनको मैंने बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह कट कर लिया है। कच्चे आलू को छीला और छील करके इस तरह से लंबा लंबा, जैसे फ्रेंच फ्राइज के लिए कट करते हैं ना, आप मेरे फ्रेंच फ्राइज के वीडियोस में देख सकते हैं कि इसे कैसे कट किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें लंबा लंबा आलू को कट करना होगा। ये देखिए हो गए ना, बस इसी तरह सभी को हम कट करेंगे और पानी में डालते जाएंगे जिससे कि आलू काले ना पड़े। सबसे पहले आप गैस पर एक पतीला चढ़ाएं या फिर कोई आप पैन रख लें, उसमें हम डालेंगे पानी लगभग 3 से 4 कप के करीब, कि जितने में आलू हमारे अच्छे से डूब जाएं। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे, साथ ही हम पानी में डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। पानी हमारा गर्म हो रहा है, इस स्टेज पर आप सारे आलू को इसमें डाल दें। जो हमने नमक डाला है ना, तो उससे क्या होगा, जो आलू है उसमें बढ़िया से हल्का नमकीन स्वाद आ जाएगा। अब हम इसमें उबाल आने देंगे और लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। यहाँ पर हमें आलू को पूरी तरह से बिल्कुल नहीं पकाना है, सिर्फ 65% पकाना है कि उसमें थोड़ी सी कसर रह जाए। उबाल आ रहा है और 5 मिनट लगभग हो गए हैं, तो गैस को ऑफ करेंगे। अब आप एक छलनी की मदद से हम सारे आलू को छान लेंगे। अब सारे आलू को छानने के बाद एक बड़े बोल में पलट लें और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इनकी शेप भी, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि मैसी होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए। अब यहाँ हम डालेंगे बिल्कुल ड्राई में ही 1 बड़ा चम्मच मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर, और 1 बड़ा चम्मच ही हम डालेंगे कॉर्न फ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे आलू पे बिल्कुल एक ड्राई कोटिंग बन जाए। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च की सुविधा ना हो तो उसकी जगह पर आप चावल का आटा यानी राइस फ्लावर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट वाले हनी चिली पोटैटो होते हैं वहाँ कॉर्न स्टार्च का ही यूज किया जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने इस पर एक पूरी लेयर यानी एक पूरी कोटिंग हो गई है, तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो बढ़िया क्रिस्प आएगा। अब आप लीजिए एक और दूसरा बोल, और बोल में हम डालेंगे 1/2 कप मैदा। एक कोई बोल सेट कर लीजिए, छोटा वाला कटोरी, और उसी के हिसाब से चीजें ले लें। 1/2 कप ही लेना होगा कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च, अगर आप चावल का आटा ले रहे हैं तो वो भी बराबर बराबर मात्रा में लें। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। कॉर्न स्टार्च वगैरह से बहुत ही बढ़िया क्रिस्प आता है, बढ़िया कलर आता है। अब हम इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे, बिल्कुल गाढ़ा ही रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिए और मिक्स करते जाइए। ये देखिए बिल्कुल ऐसा अच्छे से कर लीजिए मिक्स, कि आपको ना थोड़ा खिंचा खिंचा चिपका चिपका सा दिखेगा, स्टिकी सा, बस ऐसा हमें घोल चाहिए। मतलब ये है कि जो हमने अभी आलू तैयार किए हैं ना, तो जब इसमें डालें तो उसकी कोटिंग पूरी कवर कर ले उस आलू को। आप पतला रखेंगे तो वो हो नहीं पाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पर गाढ़ा चाहिए। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएं और उसमें डालें कुकिंग ऑयल, और ऑयल को बिल्कुल बढ़िया गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बैटर तैयार किया ना अभी गाढ़ा वाला, तो थोड़ा थोड़ा बैचेस में, जैसे थोड़ा सा आलू लिया जिससे कि वो फ्राई जब करें तो आपस में चिपके नहीं, इस तरह डिप करेंगे और पूरी कोट कर लेंगे बैटर को। इस तरह से हम एक एक पीस कढ़ाई में डालते जाएंगे, फ्लेम थोड़ा मीडियम रखेंगे जिससे हमारी कोई भी चीज जले नहीं, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको हल्का सुनहरा, बिल्कुल हल्का सुनहरा फ्राई करेंगे, क्योंकि हम इसको डबल फ्राइंग करेंगे जिससे कि जो रेस्टोरेंट में आप क्रिस्प देखते हैं ना एक्स्ट्रा करारा, वो चीज आएगी। तो अभी लाइट, जैसे ये हल्का सा गोल्डन होगा हम इसको निकाल लेंगे। अगर आपके चिपक जाए ना आपस में तो उसके लिए आप परेशान ना हो, जब ये ऊपर आ जाए इस तरह से और सिक जाए हल्के हल्के, तब आप एक चम्मच से हल्का सा प्रेस करके इस तरह अलग कर लें, लेकिन गीले में ना करें। जब हल्के से सिक जाए तब आप अलग करेंगे ना तो हो जाएंगे। और ये लीजिए हमारे ये हल्के हल्के गोल्डन से सिक गए हैं, बहुत ज्यादा अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें डबल फ्राई करने हैं। सभी को निकालेंगे और इस तरह निकाल करके हम इसे किसी पेपर पर नहीं डालेंगे, आप या तो प्लेट पर डायरेक्ट, या फिर इस तरह अगर आपके पास छलनी हो बड़ी सी या चावल वाली छलनी तो उस पर डालें, इससे उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, वो ठंडे आसानी से होंगे। इसी तरह हमारे दूसरे बैच के भी हल्के हल्के मैंने फ्राई कर लिए हैं, इसको भी हम छलनी पर ही निकाल लेंगे। अब हम
5 मिनट आलू को इसी तरह से थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब हम 5 मिनट बाद ऑयल को फिर से अच्छे से गर्म करेंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पर और सभी आलू को फिर से डबल फ्राई करेंगे। इस बात का आपको याद रखना है कि ये हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर करना है और जल्दी से जैसे इसमें गोल्डन कलर आए हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से गोल्डन एकदम, तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट पर। बहुत ज्यादा देर तक हमें नहीं फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर सिर्फ गोल्डन होने तक। बहुत ही कुरकुरे करारे, तो ये देखिए एकदम जबरदस्त क्रिस्पी, एक्स्ट्रा क्रिस्पी। अब आप इसकी आवाज सुनिए। बिल्कुल करारे क्रिस्पी, जब आप इस तरह से करेंगे डबल फ्राई जिस तरह से मैंने बताया, आपके हनी चिली पोटैटो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे करारे बनेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें बनानी होगी हमारे हनी चिली पोटैटो के लिए एक चटपटी बढ़िया सी सॉस। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है मेयर्स का सेफ कुक नॉन स्टिक स्टर फ्राई पैन, बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी ड्यूरेबल। इसमें दिया गया है स्टीम रिलीज बैंड सिस्टम, यहाँ से इसको प्रेस कर दीजिए तो जो भी इसके अंदर कुकिंग होती है यहाँ से स्टीम बाहर निकल जाएगी, आपका खाना बिल्कुल नहीं जलेगा। और ये बिल्कुल 100% सेफ नॉन स्टिक कोटिंग है जो कि PFOA फ्री है, कैडमियम फ्री है और लेड फ्री है। आप देख सकते हैं कि नीचे डिम्पल इंटीरियर बेस है जिसकी वजह से जो भी खाना आप बनाते हैं वो आसानी से रिलीज हो जाता है और बहुत ही कम ऑयल लगता है। अगर आप भी ये नॉन स्टिक पैन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो पैन में हम सबसे पहले डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 1 बड़ा चम्मच चॉप्ड गार्लिक, मैंने लहसुन को इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लिया है, बहुत ही जरूरी है, उससे जो स्वाद आएगा हनी चिली पोटैटो में मजा आ जाएगा। इसमें डाल रही हूँ 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को, मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, चॉप कर लिया था, तो वो डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च जिनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है बीच में से, यानी कट कर लिया था लंबाई में, और इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हल्का भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 शिमला मिर्च जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया था, ये आप जरूर डालें क्योंकि इससे बिल्कुल वही लुकिंग आएगी जो आप रेस्टोरेंट्स वाले हनी चिली पोटैटो में देखते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 प्याज जिसको मैंने लंबाई में रफली कट कर लिया है, बहुत ही बढ़िया स्वाद देगी। सभी चीजों को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस इतना कि ट्रांसलूसेंसी हो जाए, मतलब हल्का क्रंचीनेस रहनी चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच भुने हुए तिल, हल्का सा मैंने इसको तवे पर रोस्ट कर लिया था सफेद तिल को, और इसमें डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया इससे लुकिंग और फ्लेवर आएगा। बस सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हमें भूनना है सभी चीजों को। अब इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच नमक, क्योंकि अभी हम सारी सॉसेस भी डालेंगे तो उन सब में भी नमक होता है, और जो हमने अभी पोटैटो फ्राई किए थे उसमें भी हमने नमक डाला था, तो हम ये देख कर डालेंगे। और 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ चीनी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें वरना इसके बगैर भी बना सकते हैं। ये जो है फ्लेवर को बैलेंस करती है हनी चिली पोटैटो में। अब हल्का सा भूनने के बबाद लगभग 1-1.5 मिनट बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, इसको तीखापन और बढ़िया कलर देने के लिए। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, अगर आप डार्क सोया सॉस यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम लें, अगर लाइट वाली है तो थोड़ा आप ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से पका लेंगे हम हाई हीट पर, यहाँ पर अब हम आंच को थोड़ा सा ज्यादा ही रखेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बॉईल हो रही है, इस स्टेज पर इसका स्वाद को और बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, अगर आपको टोमेटो केचप पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल वही वाला फ्लेवर आएगा। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, अगर आप चटपटा सा बनाना चाहते हैं तो आप डालें, अगर आप इसको ज़्यादा चटपटा नहीं बनाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर इसको प्रॉपर सॉस बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें एक अच्छे से उबाल आने देंगे, यहाँ मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च, और इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच पानी, और इस तरह से इसका पतला सा घोल बना लेंगे। जब आप इसको डालेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर हनी चिली पोटैटो की सॉस तैयार होगी, एकदम शाइनी और ग्लॉसी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं इसको प्रॉपर सॉस बनाने के लिए, तभी तो टेस्ट आएगा। जितनी जरूरत है उसी हिसाब से आप देख रहे हैं, देखिए गाढ़ी होती जा रही है।
और ये देखिए हो गई ना बिल्कुल शाइनी एकदम सॉस जैसी। बस इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स यानी कि हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा, इसे भी मिक्स कर देंगे। सॉस हो गई है हमारी बिल्कुल बढ़िया एकदम ग्लॉसी और गाढ़ी। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हमारे कुरकुरे करारे जो हमने आलू तैयार किए थे। सुपर, गैस को ऑफ कर देंगे और गैस बंद करने के बाद आप धीरे धीरे आलू को इसके साथ मिक्स करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि भाई हरी चिली पोटैटो है, एक बड़ा चम्मच शहद। अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसके बगैर भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं डाल देती हूँ एक बड़ा चम्मच शहद, ज्यादा पसंद करते हैं तो आप दो बड़े चम्मच भी डाल सकते हैं। और फाइनल हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ग्रीन, वाओ, और थोड़ा सा सिसमे सीड्स यानी तिल। ये लीजिए हमारा बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्रिस्पी क्रंची हनी चिली पोटैटो रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्ट तैयार है। तो चलिए हनी और इन सब चीजों को भी एक बार मिक्स कर देते हैं। तो चलिए इसे करते हैं गर्मा गर्म सर्व। थोड़ा सा इसको करेंगे गार्निश हरे प्याज से, वाओ क्या लग रहा है। और थोड़ा सा डाल लेते हैं सिसमे सीड्स यानी कि तिल। लीजिए बस तैयार है हमारा बहुत बहुत टेस्टी और मुझे तो रुका नहीं जा रहा चटपटा क्रिस्पी हल्का सा मीठा बहुत जबरदस्त स्वाद वाला बेहद स्वादिष्ट हनी चिली पोटैटो। तो अब आप सोचिएगा मत कि बाजार जैसा कैसे बनाएं। अब आप घर में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताई है, आप इसे जरूर 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 बनाइए और मुझे फीडबैक में आप जरूर बताएं कि आपका हनी चिली पोटैटो कैसा बनाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।